टैक्स चोरी के आरोपों पर तापसी पन्नू ने चुप्पी तोड़ी है। ट्वीट करके कंगना और वित्त मंत्री पर तंज कसा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू और फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप समेत फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों पर इनकम टैक्स विभाग कार्रवाई कर रहा है। आईटी विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस कार्यवाही में अब तक 650 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय अनियमितताओं का पता चला है। टैक्स चोरी के आरोपों में विभाग की कार्यवाही के 3 दिनों के बाद इस मामले पर तापसी पन्नू ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। तापसी पन्नू ने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली है। उन्होंने एक के बाद एक लगातार 3 ट्वीट किए। अपने पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, कथित बंगले की चाबी जो पेरिस में है क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां वहां मनाती हूं। दूसरे ट्वीट में लिखा, कथित 5 करोड़ रुपए की रसीद जो भविष्य के लिए है, इससे पहले उस पैसे से इनकार नहीं किया गया था। इसके साथ उन्होंने गुस्से वाली इमोजी भी शेयर की है। दरअसल अधिकारियों के हवाले से ये दावा किया गया था कि तापसी पन्नू को 5 करोड़ का नगद भुगतान किया गया था और उनकी रसीद उनके घर से मिली है। अपने तीसरे ट्वीट में तापसी ने लिखा है कि माननीय वित्त मंत्री के मुताबिक 2013 में मेरे यहाँ छापे पड़े थे, अब सस्ती कॉपी नहीं। सस्ती कॉपी कहकर तापसी ने कंगना पर कटाक्ष किया है क्योंकि पंगा क्वीन उन्हें कई बार सस्ती कॉपी कह चुकी हैं। आपको बता दें कि इनकम टैक्स की छापेमारी 2 बड़ी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियों पर भी लगातार चल रही है। अब तक की जांच में 650 करोड़ के लेन देन के बारे में फैंटम कंपनी के लोग कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। तापसी पन्नू भी इनकम टैक्स अधिकारियों को 5 करोड़ की जानकारी नहीं दे पा रही हैं। इनकम टैक्स विभाग ने 7 बैंक लॉकरों को भी फ्रेज कर दिया है। इनकम टैक्स के अधिकारी पुणे में तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप से लगातार पूछताछ कर रहे हैं।